तो आज की टॉपिक है वेयर क्लॉज एंड और इन। तो स्टार्ट करते हैं। यूज चार्ज और अब तो इसमें क्या क्या है, डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट, अटेंडेंस, फोन नंबर। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर वेयर क्लॉज यूज करूँगा और वेयर क्लॉज के थ्रू मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर एक टपल्स आप बोलो उसे पिकअप करूँगा मैं। ओके तो Yes. तो ये सिर्फ इसी लाइन को पिक करेगा। Yes. सबसे फर्स्ट लाइन को अगर अगर मैं बोल दूं कि सेलेक्ट CS सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम DPT where department is equal to EC या EC कर लो आप। तो देखो ये क्या है, सिर्फ डिपार्टमेंट को पिक करेगा। ओके क्या करता है ये, पहले ये रीड क्या करता है आपको भी पता चल चुका होगा हल्का फुल्का। ये रीड करता है पहले फ्रॉम, ओके फर्स्ट फ्रॉम को रीड करेगा। तो ये फ्रॉम पहले वो यहाँ टेबल पे जाएगा डिपार्टमेंट, देन ये वेयर क्लॉज को रीड करता है। ओके फिर वेयर जाएगा वेयर डिपार्टमेंट इज ईसी, अब इसी पर जाएगा। ओके अब ईसी पर गया, चूज करा, देखा कि ईसी क्या कौन कौन से डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में जितने वैल्यूज हैं क्या वो ईसी कितने हैं मैच करेगा उसे। अब फिर क्या करेगा, वो सेलेक्ट करेगा डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट को जब वो सिलेक्ट करेगा, सिर्फ डिपार्टमेंट को वो सिलेक्ट करेगा। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो स्टार है ना, ये स्टार मतलब होता है ऑल, उस लाइन में जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं, ओके उसमें जितनी भी एट्रीब्यूट्स है ना वो सभी को वो पिक करेगा। यहाँ पे इसका ये मीनिंग नहीं है कि ये सिर्फ डिपार्टमेंट या सब्जेक्ट या अटेंडेंस या फोन नंबर, नहीं, ये सभी को उठाएगा, उठाएगा मीन्स पिक करेगा। ओके तो ये होती है हमारी सेलेक्ट की, मतलब सेलेक्ट स्टार की, और फिर वहां पर आप कुछ भी करो, फिर वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज को इसलिए यूज करते हैं ताकि पर्टिकुलर किसी एक जगह से हम अपने डेटा को पिक कर सकें। ओके तो ये हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब हमें अपने कॉलेज टाइम के प्रोजेक्ट्स वगैरह में हमें पासवर्ड वगैरह ये सब मैच करना होता है, तो हम यहाँ से ऐसे वेब क्लॉज के थ्रू हम डेटा को पिक करते हैं। फिर गेट डेटा एंड सेट डेटा, वो सब गेट स्ट्रिंग सेट स्ट्रिंग, वो सब बाद की बात है। ओके अब मैं आपको बताने वाला हूँ एंड, एंड क्या होती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि और या एंड कहाँ यूज करते हैं, और एंड इन डेटाबेस। तो जब भी हमें वेयर क्लॉज के बाद अगर मुझे एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट से कंपेयर करना होगा, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें कंपेयर करना होता है एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को, तो वहाँ पर हम और यूज़ करते हैं, एंड यूज़ करते हैं, इन यूज़ करते हैं। तो और इन क्लॉज ये सिमिलर ही होते हैं, मैं आपको सब बताऊंगा। और एंड और में क्या डिफरेंसेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके अब क्या है, यहाँ पर है, ये मैं कर दिया। ओके अब मुझे करना क्या है, मैं एक और एट्रीब्यूट्स को कंपेयर करूँगा। मैं सब्जेक्ट चाहता हूँ कि मुझे साइंस होनी चाहिए या मैथ्स होनी चाहिए। ओके तो अगर मैं मैथ्स करता हूँ,
सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट इज इक्वल टू मैथ्स, ओके, तो वो इसी शो में शो करेगा, ओके। और सपोज अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एंड इसमें क्या करता हूँ, सब्जेक्ट को, मेरी सब्जेक्ट थी ना, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर साइंस, साइंस है, ओके, मैं सब्जेक्ट में साइंस चूज करता हूँ, डिपार्टमेंट में ईसी चूज करता हूँ एंड क्लोज में, ओके। तो अब क्या होगा, अब ये ना यहाँ पर ये एरर शो करेगा और कहेगा कि ये एम्प्टी है, क्यों, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट जो है वो ईसी है, लेकिन मैं सब्जेक्ट जो चूज कर रहा हूँ वो हमारा साइंस है। सो वो जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं सेट हो पा रहा, डेटाबेस को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि आखिर ये मतलब चाहता क्या है, इसे चाहिए क्या, या तो ये वेयर क्लॉज भी सुनेगा और एंड को भी सुनना है इसे, तो इन दोनों चीज़ के बीच में ये कन्फ्यूज़ हो जाएगा और फिर वहाँ पर वो एरर शो करेगा या एम्प्टी सेट शो करेगा, ओके। अब मैं आपको बताने वाला हूँ और एंड में क्या डिफरेंसेस थी, ओके। तो अभी आप देखो, यहाँ पर मैं जो स्टेप यूज कर रहा था, वेयर क्लॉज के बाद एंड यूज कर रहा था, तो उसमें वो आपको शो कर रहा था एरर या फिर एम्प्टी सेट शो कर रहा था। तो उसके बाद क्या होगा, आप देखो, अगर मैं यहाँ पर और यूज करता हूँ और साइंस, ओके, और साइंस ही चूज करता हूँ मैं, तो ये क्या ये करेगा, अब देखो यहाँ पर ये एरर शो नहीं करेगा, और वो एंड में भी वो एरर शो नहीं कर रहा था, वो आप उसमें क्या ना कॉन्फ्लिक्ट आ रही थी बहुत ज़्यादा, वहाँ पर क्या हो रहा था कि वो चूज नहीं कर पा रहा था, साइंस भी थी और ईसी भी थी, तो डिपार्टमेंट और सब्जेक्ट दोनों को चूज करना था, लेकिन मैच नहीं कर रहा था कुछ भी, डिपार्टमेंट की जो एट्रीब्यूट्स की कॉलम जो है और इधर ईसी सब्जेक्ट की जो कॉलम थी, इन दोनों के बीच में कोई मतलब यहाँ पे ये नहीं था, आपको क्या बोलता हूँ, सेम कुछ भी वैल्यूज नहीं थे, इस वजह से वो चूज नहीं कर पा रहा था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये चूज कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि इसका कहने का ये है, और मतलब वेयर डिपार्टमेंट ईसी और सब्जेक्ट साइंस, ओके। तो ये या तो ये डिपार्टमेंट ईसी चूज करेगा, ओके, या फिर सब्जेक्ट में साइंस चूज करेगा, और या तो ये या फिर ये, अगर दोनों हैं तो वो दोनों को पिक कर लेगा। तो यही डिफरेंस होता है एंड और में, और एंड आप एक तरीके से देख लो तो एंड थोड़ी मतलब रिस्ट्रिक्ट है बहुत ज्यादा, या तो मैं तो लूंगा तो ये लूंगा, अदरवाइज अगर नहीं है तो मैं ये भी नहीं लूंगा, और थोड़ा सा एक कहता है कि ठीक है भाई, मैं अगर ये भी ले सकता हूँ पिक, अगर नहीं रहा तो फिर मैं उसे भी पिक कर सकता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये होते हैं और एंड के बीच में डिफरेंस, तो आप कभी कंफ्यूज मत होना, और कभी भी हमेशा आप वेयर के बाद ही एंड या और यूज कर सकते हो, ओके, वेयर के बाद ही, अगर अदरवाइज यहाँ पर एरर शो करेगा या फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये सभी चीज़ के बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, और आपको मैं एक क्वेश्चंस भी दूंगा, और मैं खुद वो क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है और प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पर आएंगी अगर आप ऐसा ऐसी मतलब गलतियाँ करोगे। तो ये हो गए। अब इन क्लॉज क्या होती है, इन और हमेशा मतलब वो सेम ही है, ओके। तो मैं अभी आपको इन क्लॉज के बारे में बताऊंगा, ओके, जो कि और के बारे में थोड़े और सेम ही होते हैं, ओके। तो अब देखो आप,
आप उसी को ले लो अपना क्या। ओके, और डिपार्टमेंट तो मैं आपको बताता हूँ। ओके, ये था हमारा, आपको मैं इनके बारे में बता देता हूँ। साइंस है, मैकेनिकल, ओके, तो ये आपको शो कर देगा। ओके, तो अब क्या करना है ना, मुझे इन क्लॉज यूज करना है। तो इन क्या करता है ना, इनमें क्या होता है कि वेयर डिपार्टमेंट ये होता है। अब इनके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं या तो इसी रख दूंगा, मुझे जो जो वैल्यूज चाहिए वो मैं रख दूंगा। ओके, एंड देन तो ये, सॉरी, तो ये आ गए हमारे इन क्लॉज। तो इन क्लॉज को यूज करने का ये हो गया, सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट इन ईसी मैकेनिकल। ओके, तो अब क्या ये सर्च कर लेगा ईसी मैकेनिकल मैकेनिकल मैकेनिकल, जो कि हमारे पिछले वैल्यूज में थी। सॉरी, वो मुझे कहीं जाना पड़ा था। तो ये ईसी मैकेनिकल मैकेनिकल एंड देन ये हमारे चार एट्रीब्यूट्स थे। तो ये इन और में ये फर्क है, बस लिखने के जो तरीके हैं वो अलग है, बट ऑल जितनी भी काम है वो सारी सेम ही है। ओके, अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ कि मैं इन क्लॉज में यूज करा था डिपार्टमेंट, सिर्फ डिपार्टमेंट, एक ही एट्रीब्यूट्स को मैं कंपेयर कर रहा था इन क्लॉज में। तो अगर मैं दो एट्रीब्यूट को अगर मैं कंपेयर करूँ, जो कि यहाँ पर है, दो एट्रीब्यूट्स को अगर मैं कंपेयर करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ मुझे डिपार्टमेंट एट्रीब्यूट्स को नहीं देख रहा मैं, मुझे पूरी मैं स्टार यूज कर रहा हूँ ताकि मुझे सारे एट्रीब्यूट के बारे में पता चले कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आ रही हैं, कहाँ कहाँ पर मुझे कौन कौन सी वैल्यू मिल रही है, ताकि मैं कैसे पता चल सके। ओके, तो ये देखो आप, डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट, अटेंडेंस, फोन नंबर। तो यहाँ देखो आप क्या है, यहाँ पर ये इन क्लॉज यूज करके ईसी और मैकेनिकल के सारे वो डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट टेबल्स हैं, वेयर डिपार्टमेंट ईसी मैकेनिकल, डिपार्टमेंट टेबल से ईसी मैकेनिकल चूज करा, पिक करा, एंड देन सब्जेक्ट में साइंस और मैथ्स होना ही चाहिए। तो ये साइंस और मैथ्स में जो भी कॉमन थी ना, वो उस चीज को उसने पिक करा है, जो कि डिपार्टमेंट टेबल, डिपार्टमेंट एट्रीब्यूट्स, ओके, और सब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स के बीच में जो जो कॉमन थी वो सिर्फ उसे पिक करके शो करा। तो ये होते हैं हमारे, तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ एंड। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, और आप खुद से भी बहुत सी चीज ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो।